मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। नवंबर 5 तारीख परमेश्वर के चरणों में, शुक्रवार के दिन प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 6:11, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मैं उर्दू में पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील 6वां बाब उसका 11वां वचन, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। हम पिछले दिनों से प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाई हुई उस प्रार्थना की एक एक बात को ध्यान दे रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, आपने इस रीति में प्रार्थना करना है, और हर बात में कितना गहरा अर्थ है। अगर हम इन प्रार्थना के शब्दों को समझ नहीं पाएंगे तो हमारे मन में बहुत सी दुविधाएं खड़ी हो जाएंगी। याद रखें, ये प्रार्थना के एक एक शब्द प्रभु यीशु के जबानों से आई हैं। कुछ दिन पहले प्रभु का परीक्षा हुआ था, 40 दिन निराहार रहने के बाद। और प्रभु ने परीक्षा करने को जब शैतान आया था, प्रभु ने शैतान से कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उर्दू में जब हम पढ़ते हैं, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। क्या प्रभु यीशु मसीह के वचन आपस में टकराते हैं? कोई विरोधाभास है? कभी नहीं। अगर हम इन वचनों को सही अर्थ से समझेंगे तो हमारा पिता के ऊपर का विश्वास और मजबूत होगा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य को परमेश्वर से किसी चीज की मांगने की जरूरत ही नहीं थी। उसे जो कुछ चाहिए था स्वर्गीय पिता ने पहले से ही इंतजाम किया था, और उसे आज्ञा दिया गया था कि बगीचे का देखभाल करें। इंसान उस बगीचे में शारीरिक खाना ना मिलने के कारण भूखा नहीं था, और वो भूखा मरा भी नहीं। लेकिन परमेश्वर के आज्ञा का जब उसने उल्लंघन किया तो उसके जीवन में आत्मिक और शारीरिक मौत दोनों आ गई। जब उसे बगीचे से बाहर निकाला गया, उसे कहा गया था अपनी रोटी के लिए उसे मेहनत करना है। हम चाहे परमेश्वर पर भरोसा करें ना करें, हम तो अपनी रोटी कमा सकते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति को आत्मिक जीवन चाहिए तो उसे परमेश्वर पर, प्रभु पर भरोसा करना है, प्रभु पर आश्रित रहना है। केवल परमेश्वर ही उसे जीवन, वो रोटी दे सकता है जो उसे जीवन देगा। इसराइल के लोगों को जरा देखें, जब वो मरुभूमि में सफर कर रहे थे, परमेश्वर ने रोज उन्हें मन्ना दिया। कोई भी मरुभूमि में भूख के कारण नहीं मरा। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया, हम देखते हैं लाशों का ढेर, चुने हुए लोगों की लाशों की ढेर। ये वही लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के भलाइयों को देखा और चखा है। मूसा को जरा देखें, बुजुर्ग व्यक्ति है, 40 दिन पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के बाद जब वो नीचे उतरता है, कमजोर नहीं, पूरा ताकतवर है, उसका मुंह परमेश्वर की महिमा से, जलाल से चमक रहा है। यही है वो बल जो हमें मिलता है जब हम परमेश्वर के साथ सही संबंध हमारा होता है। इसराइल के लोगों को जरा देखें, 40 साल तक पेट भर कर उन्होंने खाना खाया, फिर भी मरुभूमि में वो बर्बाद हो गए। प्रभु यीशु को जरा देखें, 40 दिन निराहार रहा, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर आश्रित रहने के कारण बलवंत हुआ। जब परमेश्वर अपने दास एलिया से व्यवहार कर रहा था, उसे भी खाने के लिए परमेश्वर ने खाने का इंतजाम किया था, केरीत में हो चाहे सारेफात में विधवा के घर में हो। परमेश्वर एलिया को खाने का इंतजाम क्यों किया?
यही परमेश्वर सारी सृष्टि का देखभाल करता है। अपने दास को भी खाना का इंतजाम किया और उतना ही जितना उसको जीने के लिए जरूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर एलिया को सिखा रहा है कि उसने परमेश्वर पर, अपने बल के लिए परमेश्वर पर आश्रित रहना है, संसार देने वाले इस खाने पर नहीं। हमें रोज की रोटी दे। रोज की रोटी का मतलब क्या है? इस शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। हर विश्वासी ने इस बात को समझना है। यह हमारे शारीरिक और आत्मिक दोनों बातों को दिखाता है। शारीरिक तौर पर हमारा परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम कल के बारे में परेशान हो और कल के लिए मेहनत करें। हमें रोज की रोटी के लिए परमेश्वर पर आश्रित होना है ताकि वो हमें बल दे, ज्ञान दे, और हम उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जो आत्मिक खाना है वो शारीरिक खाना से भी महत्वपूर्ण है, जरूरी है। यह संसार पाप और दुष्टता से भरा है, इसमें जीना है तो आत्मिक खाना चाहिए। हमारे जीवन के प्रतिदिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा हर एक दिन का चाल चलन तय करेगा हम अनंत काल किधर बिताएंगे। सो इसलिए हमने प्रभु से भी प्रतिदिन की रोटी मांगते हैं ताकि हम सही खाना खाएं जो हमें वो ऊर्जा प्रदान करे, ताकि हम अपने जीवन के दुश्मन को सामना करें और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन प्रतिदिन बिता सके। आज के दिन दुश्मन शैतान, उसने आत्मिक दुनिया में अपना जहरीला खाना बिछा रखा है ताकि विश्वासी धोखे खाएं, विश्वास में कमजोर हो जाएं और उसकी चाल में फंस जाएं। सो आइए हम अपने शारीरिक रोटी के लिए मेहनत जरूर करते हैं लेकिन चिंता ना करें, लेकिन हम अपनी आत्मिक रोटी के लिए ध्यान रखें, क्योंकि हमारा इस संसार में जीना है तो ये आत्मिक रोटी हमें बहुत जरूरी है। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करें जो हमें प्रतिदिन की रोटी देगा। परमेश्वर हमें उसके लिए सहायता करें। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, जब दुनिया परेशान, हैरान, निराश, गुस्से के साथ एक एक दिन उठती है, आपने हमें एक नया दिन दिया। आप सिंहासन में विराजमान हैं। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद जो हमें प्रतिदिन के लिए ऊर्जा देती है ताकि जीवन में आने वाले हर समस्याओं का हम सामना कर सकें। प्रभु, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमारे लिए हैं। आज की रोटी हमें बस आज की रोटी का बात है प्रभु, कल के लिए नहीं, क्योंकि हमें कल के लिए चिंता नहीं करना। आज के लिए आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए हमें सहायता कर। शारीरिक खाने से बढ़कर आत्मिक तौर पर तेरे वचनों को खाकर बलवंत होने के लिए मदद कर। आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम हर एक को आशीषित करें ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सके। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। मारा नाथा।